सारी विश पुगा दूंगा, तू जो मांगे बोला दूंगा। तेरी सारी विश पुगा दूंगा, तू जो मांगे। तो हे गाइस, आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने एक मज़ेदार स्टेटस। दोस्तों इस तरीके से स्टेटस आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से स्टेटस क्रिएट करने के लिए दोस्तों मेरे वीडियो को आप आज फुल तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो आपके सामने मैं लेते रहता हूँ। दोस्तों इस तरीके से स्टेटस आपको बनाने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। दोस्तों उस काइनमास्टर से आप आसान तरीके से इस तरीके से स्टेटस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे आइए, आपको मैं बताऊंगा। दोस्त अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से स्टेटस बनाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल आपको ज़रूर। तो गाइस फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको सामने इस तरीके से इंटरफेस खोल के आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 रेशो सिलेक्ट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये कप का फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसको अभी एडजस्ट कर लेना है। आपको इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। देने के बाद आपको अभी क्या करना है, आप जितने का फोटो का टाइम से आप ये बनाना चाहते हैं 30 सेकंड, उतने टाइम आपको ये बढ़ा देना है। देने के बाद आपको अभी एक ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अभी आपको उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए आपको लेयर पर ऊपर क्लिक करना है, मीडिया पर चला जाना है। जाने के बाद आपको अभी वो वाला ग्रीन स्क्रीन वाला आपको वीडियो ले लेना है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस बॉक्स को ऊपर क्लिक करना है, उसको कर देना है फुल। फुल कर देने के बाद अभी आपको दोस्तों देखने सकते हैं इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अभी आपको। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इसको क्रोमा की को अभी इसको इनेबल कर देना है। दोस्तों एक ध्यान रखिए, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर नहीं, ये ब्लू कलर आपको यहाँ पे एक कलर पर जाकर आपको अभी ये सिलेक्ट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ। तो गाइस ये अभी एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, बैक आना है, फिर से प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 रेशो सिलेक्ट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपका गर्लफ्रेंड का फ़ोटो, आपको जिस लड़की का फ़ोटो से आप बनाना चाहते हैं उसको फ़ोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं कर लेता हूँ। दोस्तों सिलेक्ट कर लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसको बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। आपको इस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसको इन पोजीशन तक लॉक कर देना है। अभी आपको इसको ड्यूरेशन को 30 सेकंड तक आपको कर देना है, इस तरीके से आपको 30 सेकंड तक आपको कर देना है। देने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसको अभी आपको एक कैप्चर सेव कर लेना है। आपको कैप्चर सेट कर लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, फोटो के ऊपर क्लिक करना है, आपको एडजस्टमेंट पर चला जाना है। जाने के बाद आपको इसको आपको ज़ीरो कर देना है, इस तरीके से ज़ीरो कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, अब जिस फोटो को अभी आपको कैप्चर किया है उस फोटो को आपको ले लेना है। लेने के लिए लेयर पर जाना है, मीडिया पर चला जाना है, अभी जो आपको कैप्चर किया है उस फोटो को आपको ले लेना है, बॉक्स को ऊपर क्लिक करना है, इसको फुल कर देना है। देने के बाद इसको ड्यूरेशन को आपको इस तरीके से घटाकर इस तरीके से आपको ये फ़ोटो के हिसाब से आपको कर देना है। देने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको ओवरऑल एनिमेशन पर जाना है, ये पल्स पर कर देना है, इस तरीके से कर देना है। देने के बाद अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जिस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया है उसको आपको ले लेना है। लेने के लिए लेयर पर जाना है, मीडिया पर चला जाना है, अभी जो अभी एक्सपोर्ट किया है उसको आपको यहाँ पर ले लेना है।
मैंने इसको ले लिया है। लेने के बाद इसको कर देना है फुल। फुल कर देने के बाद दोस्तों अभी आप ध्यान से देखिए, इसको अभी आपको क्या करना है, इसको अभी क्रोमा की को इनेबल कर देना है। क्रोमा की को यहाँ पे जाना है, इनेबल कर देना है, इसको की कलर पर सिलेक्ट करना है, इसको अभी ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है। लेने के बाद इसको अभी ओके कर देना है। देख सकते हैं आपको वीडियो बन के तैयार हो गया है मेरा वीडियो। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा क्रोमा की यहाँ पे कलर को, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको देख सकते हैं इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको वीडियो दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो आप बना सकते हैं, स्टेटस बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिर से आप लेयर पर ऊपर क्लिक करना है, मीडिया पर चला जाना है, एक लाइटिंग वाला इफेक्ट आपको। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक लाइटिंग वाला इफेक्ट आपको ले लेना है। लेने के लिए आपको लेयर पर ऊपर जाना है, मीडिया पर चला जाना है। जाने के बाद अभी आपको ये लाइटिंग वाला इफेक्ट आपको ले लेना है, ये वाला अभी आपको ले लेना है। लेने के बाद इसको बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको कर देना है फुल। इसको ऑडियो को आपको म्यूट कर लेना है, इस तरीके से म्यूट कर लेना है। अभी आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको ब्लेंडिंग पर चला जाना है, इसको कर देना है स्किन। स्किन कर देने के बाद अभी आपको देख सकते हैं आपको सामने इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार लगता है इस तरीके से। तो अभी आपको मैं एक बार प्ले करके सुनाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।